さいよ。चुपचाप अपने कमरे में चला जाता हूँ, इससे पहले कि किसी को मेरे पैर के जख्म के बारे में पता चले। राजा रुक, कहाँ था इतनी देर तक? जवाब दे, कहीं उन फटीचर बच्चों के साथ तो नहीं घूम रहा था ना? ऐसा हो ही नहीं सकता बहू। हरिओम। कारखाने में बच्चों को इस तरह निचोड़ा जाता है कि बच्चों में शक्ति कहाँ बचती है घूमने फिरने की? हरिओम। अकेला ही घूम रहा होगा कहीं, है ना? हाय, मैं अकेले ही घूम रहा था। सुन लिया? प्रहलाद, अच्छे बच्चे इतनी देर तक बाहर नहीं घूमते हैं, ठीक है? जाओ अपने कक्ष में जाओ। राजा की चाल कुछ बदली बदली लग रही है, कुछ थका थका भी दिख रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। साईं, ईंट और बांसुरी, क्या मेल है इनका? नाना, समझ लो किसी का दर्द कम करना है और किसी की थकान। जब कोई मासूम नासमझी के कारण भुगत रहा हो, किसी दूसरे की लालच के कारण पिस रहा हो, तो दुख तो होगा ना। साईं, मैं नहीं जानता आप किसके बारे में कह रहे हैं, पर आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। अच्छा, आप चलता हूं साईं। उस वक्त भी आपसे विदा लेने ही आया था, सामान बांध के सुबह सुबह ही चला जाऊंगा। नाना, अब कहां जाने की तैयारी है? अपने सहकर्मियों के साथ पद्माले जा रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं, बम्बई कलेक्टर गोविंद राव जी ने पद्माले में बहुत सुंदर गणेश मंदिर का निर्माण किया है। कुछ दिनों से वहां जाकर गणपति के दर्शन करने की कामना थी, अब अवसर मिला है तो इसे गंवाना नहीं चाहता साईं। अब जब वहां जा रहे हो तो मेरा एक काम करोगे ना? इसमें पूछने की क्या बात है साईं, आप आदेश कीजिए। गोविंद राव जी को एक संदेश देना है, उन्हें मेरा संदेश दे देना। जी दे दूंगा साईं, बताइए क्या संदेश है। ठीक है साईं, मैं उन्हें बता दूंगा, अब चलता हूं। गोविंद राव, अब सब आपके हाथ में है। बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं मैं? घर में किसी को भी अपनी चोट के बारे में बता नहीं सकता हूं,
सब गुस्सा करेंगे। साई को भी नहीं कह सकता, कहीं वो बाबा को ना बता दे। अब कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। मदद कीजिए, करते जा हर काम सच्चे मन से, जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी, पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे। आराम लग रहा है? हाँ साई। हरि ओम। दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। इस समय कौन बात कर रहा है? अब मैं सोने की कोशिश करता हूँ। ये तो प्रहलाद की आवाज है। इतनी रात किससे बात कर रहा है ये? क्या मुझे भ्रम हुआ? नहीं नहीं, मैं तो शत प्रतिशत सही हूं। आवाज तो प्रहलाद के कक्ष से ही आ रही थी, लेकिन ये तो सोया हुआ है। हरिओम हरिओम।
आयु के साथ साथ लोगों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है ऐसा सुना था, लेकिन यहां देखो मुझे तो कुछ अधिक ही सुनाई दे रहा है। औषधि ढूंढनी होगी मेरे लिए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम जी, बदन दर्द हो रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में बदन दर्द कैसे? फटा जा रहा है। सबूरी रखो बेटा, मैं अभी उदी देता हूं तुम्हें। Oh.
मीठी बांसुरी की धुन है। धुन? कैसी धुन? मुझे तो कोई धुन नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, मुझे सुनाई दे रही है, बहुत मीठी धुन है, मुझे नींद आ रही है। जी, बच्चों की सेहत पर असर पड़ने लगा है। बहुत परिश्रम वाला काम कर रहे हैं बच्चे, इतना कठिन कि काढ़ा भी कार कर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। उन्हें चलती राहत चाहिए राम जी। जमा, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। हाँ साईं, बाजी को लेकर। कल उसका बदन दर्द कर रहा था, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, मैं आते वक्त उदी लेती आऊंगी। सिर्फ यही परेशानी है ना भाई जमा, या इसके अलावा और कुछ? सब कुछ जानते हो फिर भी पूछते हो। खैर बताती हूँ, कुछ दिनों से देख रही हूँ साईं, बाजी शाम को थका थका घर आता है, जल्दी सो भी जाता है। आज कुएं पे झिपरी और चंपा मिली थी, उनकी चिंता भी कुछ ऐसी ही थी अपने बच्चों को लेकर। उनका तो समझ में आता है साईं, उनके बच्चों की वो हालत कारखाने में काम करने की वजह से है। लेकिन बाजी, मुझे डर है कहीं हमसे छुप छुपा कर वो भी वही नहीं जाता होगा साईं। क्या बाजी हमसे झूठ बोलने लगा है, हमसे बातें छुपाने लगा है साईं?
भले ही ना बोलो, तुम्हारी आंखें बोलती हैं साईं। मैं अभी जाके बाजी की खबर लेती हूँ। बाईजामा, आवेश में आकर ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिसका बाद में पछतावा हो। श्रद्धा और सबूरी से काम लो। बच्चे अपने बचपने के कारण कष्ट से गुजर रहे हैं। जब सही वक्त आएगा तब उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा और वो खुद संभलेंगे। वो वक्त कब आएगा साईं? बहुत जल्द पायजामा। अभी वक्त है एहसास का, अनुभव का, लोगों को ये देखने का, समझने का, महसूस करने का कि क्या सही है और क्या गलत। एक बार ये हो जाए तो बाकी सब भी समझ आ जाएगा। वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बच्चों। ये बेला और चेतन कहाँ गए? बहुत लंबी नींद के बाद गांव वालों की आंखें खुलने लगी हैं। अब जब आंखें खुली हैं, तो गांव वालों को रोशनी की चुभन भी महसूस करनी होगी। अगर किसी के बीमार होने पर मैं उसे छुट्टी दे दूं, फिर तो चलने से रहा मेरा कारखाना। आधे पहर के अंदर तुम्हारी बेटी काम पर आनी चाहिए, वरना अंजाम सही नहीं होगा।